विद इन 3 months आप कनाडा आ सकते हैं कि एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है, आपकी पूरी फैमिली का ओपन वर्क परमिट लगेगा। आफ्टर 1 year जब आप एक टैक्स फाइल कर देंगे उसके बाद अप्लाई कर देंगे इमिग्रेशन के लिए, 6 बैंड लेने के बाद इमिग्रेशन हो जाएगी, आप बिजनेस सेल कर। मैन खुश खान फ्रॉम माई यूट्यूब चैनल मैन खुश खान व्लॉग्स। आज ही आपसे मैं बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा इमिग्रेशन को लेकर। ये जो प्रोग्राम जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ इमिग्रेशन की, इसका बहुत ही कम लोगों को पता है। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास थोड़े पैसे हैं जो इन्वेस्टमेंट करके, और इसमें आप किसी एजेंट को पैसा नहीं देंगे। मैं बहुत सारी ऐसी फैमिलीज को जानता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो लाइक 40 लाख 50 लाख 60 लाख रुपया 1 करोड़ रुपया भी लगा देते हैं सिर्फ LMIA बाई करने के लिए, एक वर्क परमिट बाई करने के लिए, जिसमें उनकी इमिग्रेशन भी नहीं होती तो वर्क वीज़े पर ही आ जाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो वर्क स्ट्रीम इस टाइम मैं आपको बताने लगा हूँ, आप पाकिस्तान से कैनेडा आएंगे इमिग्रेशन के थ्रू, इसमें आपको आइल्स करने की जरूरत नहीं है, बिजनेस बाई करना है। कैन बाई बिजनेस फ्रॉम 10% पेइंग 10% टूवर्ड द डाउन पेमेंट गोज अप टू 40%। तो इसमें आप बेसिकली कैनेडा के अंदर एक बिजनेस बाय करेंगे 10% टू 40%। सो केस टू केस वेरी करेगा कि कौन सा कितना परसेंट है। तो बेसिकली आपने अगर लेट से मैं इसको 1 करोड़ का आपने बिजनेस बाय कर लिया कैनेडा के अंदर आप, और आप उसके माने आपने 10% पे किया, तो बेसिकली आपने 10 लाख रुपया पे किया उस बिजनेस का। 10 लाख में आप 10% के पार्टनर बन गए। जब आप 10% के पार्टनर बने तो इसमें होगा क्या जी कि जिससे आपने बिजनेस बाय किया है वो बेसिकली एप्लीकेशन डालेंगे LMIA ऑनर ऑपरेटर वर्क परमिट की। तो ऑनर ऑपरेटर वर्क परमिट की स्ट्रीम ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। लोगों को LMIA का पता है, आप एम्प्लॉयर ढूंढें, एम्प्लॉयर LMIA अप्लाई करेगा और उसका एक प्रोसीजर है, वो आप सब लोगों को पढ़ा, उसके लिए मैं डिफरेंट वीडियो मेरी पड़ी है, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ ऑनर ऑपरेटर LMIA वर्क परमिट। ये आप खुद भी गूगल कर सकते हैं, देख सकते हैं इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो बेसिकली इसका बहुत ही कम लोगों को पता है, इसके अंदर इमिग्रेशन इतनी क्विक होती है, विद इन 3 months आप कैनेडा आ सकते हैं इस प्रोग्राम के अंदर। अच्छा जी, इसमें क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एक फैमिली चाहिए, आपको कुछ ऐसे लोग चाहिए जो आपको असिस्ट करें, जो आपको हेल्प करें बेसिकली बिजनेस बाय करने में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसा कंसल्टेंट आपके पास कनाडा के अंदर हो जो आपको हेल्प करे बिजनेस बाय करने में। जब एक बार आप बिजनेस बाय कर लेंगे, बिजनेस बाय करने के बाद आपको बेसिकली 10% 20% डाउन पेमेंट करनी है, उसके बाद आप पार्टनर आपका प्रॉपर जो है वो बिजनेस एग्रीमेंट साइन होगा। और बिजनेस एग्रीमेंट साइन करने के बाद आप 10% के 20% के जितना भी आपने डाउन पेमेंट पे की है आप पार्टनर बन जाएंगे। जब आप एक बार पार्टनर बन जाएंगे तो फिर जो ऑनर है उसका या जो आपका कंसल्टेंट है कनाडा के अंदर, वो आपके लिए ऑनर ऑपरेटर वर्क परमिट अप्लाई करेगा। यूजुअली विद इन 3 months आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है, आपकी पूरी फैमिली का जो है वो ओपन वर्क परमिट लगेगा, आपका बिजनेस स्पेसिफिक वर्क परमिट लगेगा उसके अंदर। इसमें कोई कंपटीशन नहीं है जैसे LMIA की एप्लीकेशंस होती हैं। अगर आप जॉब्स के लिए अप्लाई करें तो उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है जिसमें आपको एड्स देनी है और उसमें आपको शो करना है कि जो रिक्वायर्ड टैलेंट है वो कनाडा के अंदर नहीं है और आपने बहुत सारी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया है, रिफ्यूज़ किया है, एंड दिस इज़ द रीज़न यू आर गेटिंग समबडी फ्रॉम पाकिस्तान। तो जी इसमें ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके अंदर आप सिंपल एप्लीकेशन डालेंगे, अप्लाई करेंगे, कोई कंपटीशन नहीं है इसमें जी आपका। और इसमें क्या होगा कि आपकी पूरी फैमिली का स्पाउस एंड योर चिल्ड्रन उनको ओपन वर्क परमिट मिल जाएगा आपको, और विद इन 3 months एप्लीकेशन अप्रूव यूजुअली हो जाती है, आसानी से हो जाती है। आप कनाडा आ जाएंगे जी विद इन 3 months 4 months, जो आप हैं जिसके नाम पर वर्क परमिट इशू हुआ है जो मेन एप्लीकेंट है वो यहाँ पर आके बिजनेस करना पड़ेगा। इसमें आप किसी को पैसे नहीं दे रहे हैं, इसमें आपने बिजनेस बाय किया है। इसमें यूजुअली आप LMIA बाय करते हैं तो आप एजेंट्स को पैसे कितना दे देते हैं, इसके अंदर किसी को पैसे नहीं देने, ये आपका बिजनेस है। आप यहां पर आएंगे, आपको 1 साल जो है वो जो ऑनर होगा वो आपको ट्रेन करेगा उस बिजनेस के ऊपर बेसिकली। तो आप बेसिकली वहां पे काम करने लग जाएंगे, आपका 10% शेयर है, 20% जितनी भी आपने डाउन पेमेंट किया वो बेसिकली आपका शेयर है। तो आप वहां पे काम करने लग जाएंगे, जब आप वहां पे काम करने लग जाएंगे तो 1 साल के बाद जब आप एक टैक्स फाइल कर देंगे तो एक टैक्स फाइल करने के बाद वहां पर फिर आपको आइल्स करना पड़ेगा, एक से बैंड लेने पड़ेंगे, आपकी एप्लीकेशन तैयार होगी, फिर आप इमिग्रेशन अप्लाई करेंगे। जब आपके बिजनेस को 1 year हो चुका होगा फिर आप इमिग्रेशन अप्लाई कर देंगे, और इमिग्रेशन की फाइल यूजुअली जो इमिग्रेशन का प्रोसीजर है वो विद इन 6 months जो है आपकी इमिग्रेशन हो जाती है। उसके बाद आप बिजनेस सेल कर दें, रख लें, वो आपका बिजनेस आपकी इमिग्रेशन हो गई, ठीक है। और इमिग्रेशन से पहले आपको रिमेनिंग 90%, अगर आपने 10% पहले डाउन पेमेंट की थी तो आपको 90% रिमेनिंग देना पड़ेगा, अगर आपने 20% डाउन पेमेंट की थी तो आपको 80% देना पड़ेगा। तो रिमेनिंग अमाउंट आपको पे करनी पड़ेगी, वो पे करने के बाद जो है वो आपकी इमिग्रेशन हो जाएगी। आपको 6 बैंड इसमें आइल्स का चाहिए होगा। इसमें एज सच कोई एजुकेशन की क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई खास जॉब एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट नहीं है इसके अंदर। डिटेल्स जो है वो मैं डिस्कस कर लूँगा, मुझे आप कॉमेंट करें, मुझे मैसेज करें, मेरे सब नंबर स्क्रीन के ऊपर नीचे इस टाइम आपको आ रहा है, या व्हाट्सएप आप मुझे करें। जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो केस टू केस वेरी करेगा, मैं आपको बता सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ।
सकता हूँ। मेरी जो हेल्प चाहिए होगी मैं आप लोगों को कर लूँगा, मैं इसके कोई चार्ज नहीं आप लोगों से लूँगा, मेरी कंसल्टेशन, मैं सिर्फ एडवाइस आपको दे सकता हूँ। बाकी आपने जिस तरह करना आप खुद इंटरनेट के ऊपर गूगल कर लें, लुकअप कर लें, इसमें आप न्यू बिजनेसिस का नहीं, इसमें जो मेरा एक्सपीरियंस है जिसमें श्योर गारंटीड आपकी इमिग्रेशन हो जाती है उसके अंदर द बिजनेस हैज़ टू बी 2 ईयर ओल्ड बिजनेस। तो बिजनेस जनाब एटलीस्ट 2 ईयर ओल्ड बिजनेस हो और उसके जो है 2 टैक्स फाइल हो चुके हों, गुड स्टैंडिंग के अंदर हो। जब हम कहते हैं कि बिजनेस गुड स्टैंडिंग के अंदर हो तो मतलब यह है कि उसका टैक्स फाइल हो रहा हो, एटलीस्ट 2 मिनिमम इंप्लॉइज हों, सैलरी जा रही हो, वो ओवरहेड सारे बिजनेस जनरेट कर रहा हो, गुड ग्रॉस नेट प्रॉफिट बिजनेस बना रहा हो, बेसिकली जेन्युइन बिजनेस। कोई फास्ट फूड रेस्टोरेंट हो, कोई फास्ट फूड ट्रक हो, कोई कॉफ़ी शॉप हो छोटी सी, कोई भी बिजनेस, अब छोटा सा कोई मिठाई की दुकान है यहाँ पर बहुत मिल जाती हैं, आप कोई वो ले लें, मतलब कोई भी बिजनेस अब छोटा सा बाय कर लें, 40,000, 50,000, 60,000, 100K, 1 करोड़ पाकिस्तानी, 50 लाख पाकिस्तानी, 70 लाख पाकिस्तानी, तो लोग 60-70 लाख रुपए LMI के ऊपर लगा देते हैं। आपको इमिग्रेशन बता रहा हूँ जिसमें आप किसी को पैसा नहीं दे रहे, जो आप बिजनेस बाय कर रहे हैं, ये बिजनेस इमिग्रेशन नहीं है। इसमें आपको ऑनर ऑपरेटर LMI अप्लाई करना है, जो आपका जो बिजनेस आपने बाय किया उसका ऑनर अप्लाई करेगा या आपका कंसल्टेंट अप्लाई करेगा। इसमें आपके बच्चों का ओपन वर्क परमिट लगेगा, स्पाउस का ओपन वर्क परमिट लगेगा, आपका बिजनेस स्पेसिफिक वर्क परमिट होगा, विच मीन्स कि आप कहीं और जॉब नहीं कर सकेंगे, आपको उसी बिजनेस में काम करना है यहाँ पर आने के बाद फॉर 1 ईयर। जो सर आपका स्पाउस जो है वो जॉब कर ले फुल टाइम करनी है, या अपने स्पाउस को प्रिंसिपल एप्लीकेंट बना दें और आप जॉब कर लें, आपका ओपन वर्क परमिट लग जाएगा, बच्चे आपके यहाँ पे स्कूल आने जाना शुरू हो जाएंगे, आपको जो बेनिफिट्स हैं वो बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो बहुत ही सिंपल वे है, आप इधर आ जाएंगे, 1 साल आप उसी बिजनेस में काम करेंगे, स्पाउस आपका जॉब करेगा, बच्चे आपके स्कूल जाएंगे, आफ्टर 1 ईयर जब आप एक टैक्स फाइल कर देंगे उसके बाद आप जो हैं वो अप्लाई कर देंगे इमिग्रेशन के लिए 6 बैंड लेने के बाद, ठीक है, और आपकी इमिग्रेशन हो जाएगी, आप बिजनेस सेल कर दें। तो इसमें आपको जो है ना कोई नुकसान नहीं है, आप पैसा जितना भी लगा रहे हैं वो आपका पैसा है, आपके बिजनेस पे लगा, आप सेल कर दें आपको पैसा वापस आ जाएगा, ज़्यादा का सेल कर दें या कम का सेल कर दें। तो ये बहुत ही ईजी इमिग्रेशन की ये स्ट्रीम है, ज़्यादातर लोगों को इसका नहीं पता। मैं जितना आपको अभी ठंड बहुत है यहाँ पर, मैं इससे मैं अलास्का में आया हूँ जी क्रूज़ के ऊपर, और मैं वैनकूवर में 2 डेज़ में निकल रहा हूँ, तो बहुत ठंड है यहाँ पर, मुझे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी ठंड हो जाएगी। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो मैं आपको मुझसे जो भी हेल्प चाहिए वो आपकी हेल्प जो है ना वो मैं कर सकता हूँ। व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, आप मुझे मैसेज कर दें, मैं कंसल्टेंट नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको कब करा सकता हूँ, मैं स्मॉल बिजनेसेस को जानता भी हूँ, मेरे कॉन्टैक्ट्स भी हैं, मैं खुद भी यहाँ पर जो है वो मल्टीपल बिजनेस रन करता हूँ। तो आप मेरे से मुझे मैसेज कर दें, मैं जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपसे फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर लूँगा। मुझे से आपको पैसे नहीं लग रहे मुझे मैसेज करने पर, मैं ट्राई करूँगा कि हर किसी को मैसेज कर लूँ इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें, कोई क्वेश्चन हैं वो पूछ लें, जो मैं आपको असिस्ट कर सकूँगा वो मैं आपको इस बिजनेस के अंदर असिस्ट कर लूँगा सारा। तो बहुत ईजी प्रोसेस है, आपको सारा प्रोसेस मैं एक्सप्लेन कर दूँगा वीडियो में, बहुत सारी चीज़ें मैं कवर नहीं कर सका लेकिन मैं कवर कर लूँगा। आप याद से मेरा YouTube का जो चैनल है मनकुश खान वो लोग इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि फ्यूचर वीडियोस मेरी बहुत ज़बरदस्त, मैं वीडियो इमिग्रेशन के ऊपर जो है ना और इसी टॉपिक को मैं मज़ीद डिटेल में भी डिस्कस करने वाला हूँ। अफगानिस्तान से, ईरान से, इराक से और जनाब सीरिया से और मैक्सिको से बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने बिजनेस सेल कर करके यहाँ पर स्पेशली पेंडेमिक के बाद आ रहे हैं, स्पेशली जो कोरोना वायरस पेंडेमिक ओवर हुआ है इसके बाद बहुत सारे लोग इमिग्रेशन करा कर ना जी यहाँ पर आ रहे हैं अपने अपने वहाँ से अपने एसेट सेल करके। तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती 1 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट करना, 70 लाख रुपये का बिजनेस बाय करना, क्योंकि एंड ऑफ द डे अपना बिजनेस ही तो बाय कर रहे हैं। ईरानी बहुत आ रहे हैं, मैं एक कंसल्टेंट को ऐसा यहाँ पे जानता हूँ जिसने मल्टीपल एप्लीकेशन ना विद इन फ्यू मंथ्स उसने अप्रूव करवाइया लोगों की, और आज वो यहाँ पर बैठे हैं ईरान से और यहाँ पे आप कलीन का कारपेट का बिजनेस रन कर रहे हैं। बहुत सारी फैमिलीज को मैं यहाँ पर जानता हूँ। तो जी मैं आपको बिल्कुल असिस्ट कर सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ, आपको कंसल्टेंट भी दे सकता हूँ, क्योंकि मैं कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैं आपको एडवाइस दे सकता हूँ, आपको गाइड कर सकता हूँ, आपको कंसल्टेंट भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, और आपके लिए ट्राई करूँगा कि बिजनेस भी अरेंज कर दूँ बाय करने के लिए आपके पास है। तो मैं जो मेरी हेल्प हो सकेगी मैं आपकी ना इस बिजनेस स्ट्रीम के अंदर आपकी हेल्प कर दूंगा। बहुत इजी वे है जी इमिग्रेशन का। थैंक यू। As you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay.
Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.